माँ संतोषी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। आपके अलावा कौन है जो हमारी मदद करेगा? ये कौन सी बुरी शक्ति है माँ? कहीं ये सच में कोई जादू तो नहीं? माता, इन अदृश्य बुरी शक्तियों से बचने का कोई तो उपाय होगा। स्वाति, इंद्रेश, दीदी, आप यहाँ? आप कहाँ थी? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताएं दीदी, को एक बार बताया था ना दीदी कि दुनिया के हर दुख का हल व्रत और पूजा पाठ के माध्यम से मिल जाता है। तो आप बताइए ना, अब हम क्या करें? बगलामुखी माता का व्रत करो। ये व्रत तुम्हें हर अप्रत्यक्ष और बुरी शक्तियों की माया से मुक्त करेगा। बगलामुखी माता? हाँ इंद्रेश, एक बार सतयुग में भयंकर तूफान आया। इस तूफान से पूरा ब्रह्मांड समाप्त होने की कगार पे था। जगत के पालनहार भगवान विष्णु भी अत्यंत विचलित हो गए थे। देवों के देव महादेव, प्रकट होइए महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, इस आंधी को रोकने का उपाय बताइए, अन्यथा ये संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नारायण, इस समस्या से निपटने का बस एक ही उपाय है। आप हरिद्रा सरोवर के तट पर जाकर संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति की उपासना करें। तो क्या भगवान विष्णु को भी तप करना पड़ा था? हाँ, क्योंकि तप एक प्रकार का कर्म है और वर फल, और बिना कर्म के फल नहीं मिलता, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या फिर स्वयं नारायण। तो दीदी, फिर क्या हुआ था? नारायण के तप से प्रसन्न होकर शक्ति का एक स्वरूप देवी बगलामुखी प्रकट हुई। उन्हें विद्या की अष्ट देवी भी कहा जाता है। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? देवी, ये संसार इस आंधी से नष्ट हो जाएगा, हमें ज्ञात नहीं, किंतु अनुमान से कह सकते हैं कि ये कोई बुरी शक्ति है जो आंधी के माध्यम से सृष्टि को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। देवी, हम समस्त देवगण इसे रोकने में असमर्थ हैं, इसीलिए आपका ध्यान किया है। बगले सर्व भयम हरा। ओम लीम 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 बगले सर्व भयम हरा। ओम लीम लीम लीम
बगले सर्व भयम हरा। माता बगलामुखी ने संसार का नाश करने वाले तूफान को खुद में समाहित करना शुरू किया और फिर दिव्य शक्ति से उनको मायावी दानवों और उनकी काली मायावी शक्तियों का आभास हुआ, जिन्होंने पूरी सृष्टि पर माया का जाल बिछा दिया था। माता बगलामुखी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। माता बगलामुखी ने दानवों का नाश किया। अपने क्रोध को शांत कीजिए देवी। हाँ देवी, क्रोध को त्याग दीजिए। देवी शांत हो जाइए देवी। देवी शांत हो जाइए देवी। देवी शांत हो जाइए। तीनों लोगों तक संदेश पहुंचाओ। जो भी देवी बगलामुखी की आराधना और व्रत करेगा, उसे बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलेगी। बुरी शक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से ही देवी बगलामुखी की उत्पत्ति हुई है। अब तुम दोनों उन्हीं बगलामुखी माता का व्रत करो, उनके मंत्रों का जाप करो। इससे अवश्य तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ये व्रत कब और कैसे किया जाता है दीदी? ऐसे तो ये व्रत वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को करना अच्छा होता है, लेकिन ये मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है। इसमें खास ध्यान ये रखा जाता है कि वस्त्र, प्रसाद और पुष्प पीले रंग के ही हों। और कल ही मंगलवार है, तुम दोनों कल ये व्रत कर सकते हो। मैं पंडित जी से कह दूंगी, वो तुम्हारी पूजा विधि पूर्वक करवा देंगे। जी दीदी, ये व्रत हम कल ही रख लेंगे। और मैंने जो बातें बताई उनका ध्यान रखना होगा। फिर कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं वो तुम्हें पंडित जी बता देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप हमारी हर परेशानी का हल निकाल दीदी। अचानक से एक दिन मंदिर में शादी करके आ गए दोनों जने, और जब से आए हैं ना,
तब से घर में कौनो ना कौनो महाभारत छिड़ी ही रहती है। अब का बताएं? लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है कि स्वाति का कौनो अभी तक घर की बहू माना नहीं है। जब विश्वास कच्चा हो ना, तब आई गहरी दरारें पड़ती हैं। अरे लवलिया। जी चाचा। अब हैवा से बोल कि सही समय है फायदा उठाए। कहा है कि बड़के भैया भी इंद्रेश से चिढ़े हुए हैं। अब ऐसे बोल कि इंद्रेशवा को नीचे गिरा के और अपने ऊपर उठ जाए। का समझी? अरे चाचा आप का बताएं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे जरूरत से ज्यादा ईमानदार पति मिलना भी ना मुसीबत ही है। उनका हम समझाते हैं कुछ हुआ और वही जनाब करके आते हैं कुछ हुआ और। अब एक बार आप आ जाते ना चाचा तो सब कुछ ठीक हो जाता। बस ऐसे ही हमको खबर देते रहना। हम सोचते हैं कि करना का है, कहें कि अब घर लौटने का समय आ गया है। इंद्रेश, तुम्हारे परिवार वाले तो हमारे साथ नहीं खाएंगे, पर तुम तो उनके साथ जाकर खा सकते हो ना। तो हमारे साथ भी नहीं खाएंगे, और वैसे भी हमें उनसे ज्यादा तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। ये क्या बात हुई? बचपन से तुम उनके साथ खाना खाते आए हो, अब हमारे साथ खाओगे तो कहेंगे कि बीवी ने पल्लू से बांध लिया। बाबू जी की धोती से बने रहने से अच्छा है तुम्हारे पल्लू से बने रहे। उनका व्यवहार अच्छा जानते हो तुम, किसी से छुपा नहीं। आशी गवारा महोदय, पत्नी के साथ गुटर गु करने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारी बात भी सुन लो। कल शर्मा जी के बहू की गोद भराई है, साथ में चलना तैयार रहना। और हाँ, नलकू विभाग की बिटिया को नहीं ले जाएंगे। हम नहीं चल पाएंगे बाबूजी। नहीं चल पाओगे? अच्छा, देवी जी नहीं जाएंगी तो प्रभु जी भी नहीं जाएंगे हैं? अरे बाबूजी, अगर ये चले जाएंगे तो इनकी मैडम अकेले नहीं पड़ जाएंगी, का वो बोर नहीं होंगी? ऐसा कुछ नहीं, हमरा और स्वाति का कल व्रत है। रंद्रेस, कल कौन सा व्रत है रे? का करोगी जानकर? वैसे भी कोनो मतलब नहीं। अरे व्रत का नहीं बताना है तो ना बताओ, लेकिन परिवार के साथ तो चलोगे? बोला ना नहीं आ पाएंगे। क्या बोला? ना बोला, नहीं आ पाएंगे। इंद्रेश, ये क्या कर रहा है? पकड़ा गया क्या? जोन बाबूजी का उंगली पकड़ के पड़ा हुआ है, उनका हाथ पकड़ रहा है। छोड़। बाबूजी, थप्पड़ खाने जैसी कोई बात नहीं किए हम। इंद्रेश, ये तुम का रहे कल वही? ये सब तुम्हारे ही कारण हो ही रहा है। ये बाप बेटे के बीच युद्ध का कारण तुम ही हो। अब खड़ी रही यहीं और देख तमाशा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, चलो कि नहीं?
बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं बदलेगा। कह दिए नहीं चल पाएंगे हम। भगवान, आज इस घर में वो दिन भी देख लिया जिनकी कब वो कल्पना भी नहीं करे थे। और जी जो कहना था कह दिया, अब भी थप्पड़ मारना तो मार सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं। बाबूजी आप शांत हो जाइए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पगला गया है। चाय दिया क्या बाबूजी? इंद्रेश चाय यहां से चा। ना बोला नहीं आ पाएंगे। आपको माफ कर दो इंद्रेश, आज केवल हमारी वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है और दीदी के बताए अनुसार व्रत की तैयारियां भी करनी है। देव ऋषि, आज रात्रि हमें स्वाति की रक्षा करनी होगी। कल उसका माता बगलामुखी का व्रत है, इसलिए कल देवी पौलमी स्वाति को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी, किंतु आज हमें यहाँ रुकना होगा। जैसे आपको उचित लगे माते। और हाँ, एक बार पुत्री स्वाति का व्रत पूर्ण हुआ तो देवी पौलमी की मायावी शक्तियाँ माता बगलामुखी के प्रभाव से स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। नारायण नारायण। हे नाग देवता, इस दर्पण में प्रवेश कीजिए और स्वाति को डसिए। रात देवी संतोषी स्वयं स्वाति और इंद्रेश के घर की द्वार रक्षक बनी हुई है। हाँ देवी पौलोमी, यदि आपने कुछ किया तो आपका भेद खुल सकता है।
आप इस समय यहाँ से चले जाइए नाग देवता, परंतु हम आपका पुनः आवाहन करेंगे और शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। वैसे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई हमें कि देवी संतोषी अब देवी से द्वार रक्षक बन गई हैं।